दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ऐसे पांच बहुत ही कमाल के मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स करने वाले हैं जो बहुत ही क्रिएटिव एंड बहुत ही अमेजिंग होंगे। एंड ये वीडियो में हमने जितनी भी फोटोग्राफी करी है आप लोग अपने खुद के मोबाइल फोन से ही क्लिक कर सकते हो, आप लोगों को कोई महंगा फोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो गाइस हमने मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस को नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद वो सारी वीडियोस को जरूर से देखना। एंड गाइस ये वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले पोज एंड टिप से। सबसे पहले पोज में आप लोगों को एक कैन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करना है, सिंपली व्हाइट वाले धागा होता है ना, उसकी मदद से दोनों तरफ से कुछ इस तरीके से बांध देना है। कैन या फिर ग्लास आप लोग कोई सा भी चीज ले सकते हो। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से पोज देते हुए, जो जादूगर होते हैं ना ऐसा हाथ में कैन को उड़ाते रहते हैं, कुछ इस तरीके से पोज देते हुए फोटो को क्लिक करवा लेना है। अब ये फोटो क्लिक करने के बाद ये फोटो को ओपन करेंगे रिटच एप्लीकेशन में, एंड जो दोनों तरफ का धागा था एकदम बारीकी से पेंट कर देना है। एंड जैसे ही आप लोग पेंट करोगे वो दोनों तरफ का धागा रिमूव हो जाएगा, एंड रिमूव होने के बाद आप लोग की फोटो बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। बढ़ते हैं गाइस दूसरे पोज एंड टिप्स की तरफ। दूसरा पोज गाइस मेरा फेवरेट पोज है, एंड आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट पोज कौन सा है। तो क्या करना है, इसमें आप लोगों को एक बॉटल की जरूरत पड़ेगी, जो पानी का बॉटल होता है ना आप लोगों को सिंपली वही वाला बॉटल ले लेना है, एंड दोनों तरफ से कुछ इस तरीके से कट कर देना है बॉटल को। अब कट करने के बाद जो बॉटल होती है उसको जमीन पे रख देना है, एंड जो हमारा मोबाइल होता है उसको उल्टा करके फोटो को क्लिक करना है। एंड गाइस ये फोटो हम लोग नॉर्मल कैमरे से नहीं क्लिक करेंगे, नॉर्मल कैमरे से क्लिक करेंगे तो इतनी अच्छी फोटो नहीं आएगी। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर से B612 एप्स डाउनलोड कर लेना है, एंड डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को सिंपली ये वाला फिल्टर अप्लाई कर देना है। ये वाला फिल्टर बहुत ही कमाल का लगता है ऐसी फोटो क्लिक करने में। एंड फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप लोगों को ये फोटो मोबाइल को उल्टा करके क्लिक करना है, ताकि जो मोबाइल का कैमरा है एंड जो बॉटल का गैप है वो एकदम प्रॉपर तरीके से फिल हो जाए। अब एकदम प्रॉपर तरीके से प्लेस करने के बाद फोटो को क्लिक कर लेना है, एंड फोटो क्लिक करने के बाद आप लोगों की फोटो बहुत ही क्रिएटिव एंड बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगी। एंड B612 जो ऐप है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं गाइस तीसरे पोज एंड टिप्स की तरफ। तीसरे टिप्स में गाइस हम लोग फोटोग्राफी नहीं करने वाले हैं, हम लोग वीडियोग्राफी करने वाले हैं, एंड ये वीडियोग्राफी होने वाला है स्लो मोशन पे। जैसे कि मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि यार वीडियो को स्लो मोशन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना फोन जमीन पे रख देंगे, एंड फोन के आगे से चलते हुए आगे जाके बैक को फेंकते हुए या फिर कोई से भी तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है, जैसे कि आप लोग को अच्छा लगता हो स्लो मोशन बनाना। एंड वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं वीडियो को स्लो मोशन करने के लिए, जैसे कि पावर डायरेक्टर, वीवा वीडियो। तो ये सारे एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा टफ होता है स्लो मोशन करना, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। क्या करना है, सबसे सिंपल वे में अगर आप लोगों को स्लो मोशन करना है तो आप लोगों को प्ले स्टोर से B612 ऐप डाउनलोड कर लेना है, या फिर मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहां पे एडिट का ऑप्शन दिखेगा, एडिट पे क्लिक करके आप लोग अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को एक कट का ऑप्शन दिखेगा सीजर का, तो इस पे क्लिक कर देना है। एंड सीजर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को 0.3x एंड 0.5x दो ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोगों को 0.3x कर देना है, जिसमें आप लोगों की वीडियो एकदम स्लो मोशन हो जाएगी, एंड करने के बाद डन कर देना है। बढ़ते हैं गाइस चौथे पोज एंड टिप्स की तरफ। चौथा पोज गाइस बेसिकली हम लोग हैरी पॉटर जैसे देने वाले हैं, तो क्या करना है, इसमें आप लोगों को एक झाड़ू की जरूरत पड़ेगी एंड हम लोग को एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो सिंपली टेबल के ऊपर चढ़ के हैरी पॉटर जैसा पोज देना है। एंड ये फोटो को हम लोग थोड़ा सा लो एंगल से क्लिक करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो गाइस फोटो को कर लेते हैं क्लिक। अब फोटो क्लिक करने के बाद ये फोटो को भी सेम हम लोग ओपन करेंगे रिटच एप्लीकेशन में, एंड जो नीचे का टेबल था सिंपली कुछ इस तरीके से पेंट कर देंगे, एंड उसके बाद आप लोग की फोटो बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही क्रिएटिव देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं गाइस पांचवे पोज एंड टिप्स की तरफ। पांचवे टिप्स में गाइस मैं बेसिकली आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल से DSLR जैसी फोटो कैसे क्लिक कर सकते हो। तो जिन लोगों के मोबाइल में पोर्ट्रेट मोड है उन लोगों को पता होगा कि बैकग्राउंड को ब्लर कैसे किया जाता है, लेकिन जिन लोगों के मोबाइल में पोर्ट्रेट मोड नहीं है ये टिप्स उन लोगों के लिए। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को कोई से भी पोज देते हुए फोटो को क्लिक करवा लेना है, एंड एक बेस्ट पोज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्या करना है, आप लोगों को मॉर्निंग या फिर दोपहर का टाइम सेलेक्ट कर लेना है, जब लाइट थोड़ी ज्यादा आती हो, तो सिंपली आप लोगों को एक खुला आसमान ढूंढ लेना है, एंड ये फोटो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे, एंड
एंड आप लोग कोई सा भी पोज देते हो फोटो को ये एंगल से क्लिक कर सकते हो एंड ये एंगल से जैसे आप लोग फोटो को क्लिक करोगे तो आप लोग की फोटो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगी। एंड फोटो क्लिक करने के बाद क्या करना है, आप लोग को सिंपली B612 एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद सिंपली सबसे लास्ट में आप लोग को पोर्ट्रेट मोड दिख जाएगा, वहां पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक करोगे आप लोग का जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा एंड यहाँ से आप लोग अपना अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, आप लोग अपना बैकग्राउंड कितना ब्लर करना है। तो गैस ये थे आज के 5 मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स एंड गैस अगर आपने अभी तक B612 ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में से जाके डाउनलोड कर लो, क्योंकि यार उसमें आप लोग ऐसे ट्रेडिंग है न्यू स्टिकर्स एंड फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो टिकटॉक एंड यूट्यूब पे चलते रहते हैं। और सो गैस 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो आपके पीछे हट रहो, आप भी जाके डाउनलोड कर लो। एंड गैस ये वीडियो में आप लोगों को कौन सा टिप्स सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। एंड गैस अगर आपने अभी तक मेरी और मोबाइल फोटोग्राफी वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आके आप लोगों सारी वीडियोस को देख सकते हो। एंड गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे के वीडियो को लाइक कर दो यार, मैं 6 मिनट से कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।